तो जो भी लड़का इस वीडियो को देखेगा वो गारंटी दे रहा हूँ कि वो बोर्ड एग्जाम में जाएगा तो उसे क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये जो लॉग का फंक्शन है लॉग 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, ये क्वेश्चन आपको 99% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 0 टू 1 है, 0 टू 1 लॉग 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 8 लॉग 2। इतना हमको प्रूफ करने के लिए दे सकता है, नहीं तो बस केवल इतना देगा, क्या देगा, इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ये हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें क्या अप्रोच है, अप्रोच मीन कैसे हम लोग जाएंगे क्वेश्चन के यहाँ तक। सबसे पहले अगर देखिए हम यहाँ प्रॉपर्टी भी कोई लगाते हैं तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब प्रॉपर्टी लगाएंगे फायदा होने वाला नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है अप्रोच सब्स्टिट्यूट करने का, ये देखते हैं हम लोग। आइए अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं। क्यों tan थीटा रखेंगे, क्योंकि जब हम x इक्वल टू 1 प्लस यहाँ रखेंगे 1 प्लस tan इसका थीटा होगा, और 1 प्लस tan इसका थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब इंटीग्रेशन में हम लोग कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन के करने से पहले क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगी तो इसका हम लोग वीडियो बनाया है, देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, dx इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कैसे dx इधर आ गया, देखिए कैसे हमने x के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व किया इसको डिफरेंशिएट किया तो x क्या होता है, 1 हो जाता है, और जब tan का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का भी करना पड़ता है, d थीटा / dx होता है, इसे dx को हमने ट्रांसपोज कर दिया, इधर चला गया, इसलिए dx इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर d थीटा। और हम लोग जानते भी हैं कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करते हैं, ये गलती बच्चों से अक्सर होती है, लिमिट नहीं चेंज करते हैं, तो लिमिट नहीं चेंज करते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसके लिए तरीका अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे यानी कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, यानी यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। अब आइए x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पे, कहां पर, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 4 हो गई, हमारा लिमिट चेंज हो गया। अब हम लोग लिमिट चेंज कर दिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो आइए इंटीग्रेशन क्या है हमारा, लिमिट मान लेते हैं i के बराबर है, 0 टू क्या हो जाएगा, लिमिट पाई बाई 4, और यहां पे log 1 प्लस tan थीटा, और नीचे आपका हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx क्या साहब, देखिए dx है इसके साथ में क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा यहाँ यूज है, इसीलिए कहते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ना, ठीक है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया log 1 प्लस tan थीटा, और ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर sec स्क्वायर थीटा हमारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, क्या करने के लिए, कटने के लिए, शहीद होने के लिए, ये हो गया आपका शहीद, यानी कि कट गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या मिला, i = 0 टू पाई / 4 log 1 प्लस tan थीटा। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट इतना ना देकर क्या देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है कि इसको इतना बड़ा प्रूफ कीजिए, ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या कर देता है, ये प्रूफ कर देता है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, या फिर डायरेक्ट देता है इतना ही को इतना प्रूफ कीजिए। तो कैसे करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन कितना, दो गो क्वेश्चन है इसमें, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, अगर इसको एक क्वेश्चन हम बनाए रहते तो इसको टू बनाएंगे हम लोग।
तो अब चलिए हम लोग इसके बाद से हम जानते हैं पुराना ही मेथड क्या करना होता है, प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर क्या होता है देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी फोर देखिए, जीरो टू अगर ए हो या एफ एक्स डी एक्स हो, हर वीडियो हमने ये प्रॉपर्टी बताया है, आप लोगों को अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी पूरे रूप से याद हो गई होगी। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, जीरो टू ए यानी कि जीरो टू लिमिट में चेंजिंग नहीं होती है, क्या होती है एफ ए माइनस एक्स, क्या होता है एफ ए माइनस एक्स, ये हमारी क्या होगी प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गई प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसकी अप्लाई कैसे करेंगे, तो आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर, क्या हो गया पाई बाई फोर। आइए देखते हैं हम लोग लॉग वन प्लस टेन, जहां पर थीटा यहां पे एक्स साथ एक्स रखे हैं, जहां पर थीटा वहां पर क्या रखेंगे हम लोग पाई बाई फोर माइनस थीटा, ये आपका हो गया डी थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज, टेन ए माइनस टेन बी का फार्मूला है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को अच्छे तरीके से ये मालूम होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होगा, देखिए लॉग वन प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी, देखिए क्या हो गया लॉग टेन ए मतलब क्या होता है पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन ए यानी पाई बाई फोर, टेन ए मतलब क्या हुआ पाई बाई फोर हुआ और इंटू टेन थीटा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हमने लिख दिया। देखिए क्या होगा, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, आपको अभी बता चुके हैं यहाँ पे, तो पाई बाई फोर लॉग ये आपका हो गया वन प्लस वन माइनस टेन थीटा और ये हो गया वन प्लस टेन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को ये एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग, ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा वन प्लस टेन थीटा और ये हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा। देखिए अब टेन से टेन क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब देखिए वन वन क्या होता है टू होता है, यानी I is equal to क्या होगा जीरो टू पाई बाई फोर लॉग टू अपान वन प्लस टेन थीटा। अब देखिए हम लोग लॉगरिथम फंक्शन कई बार इस फॉर्मूला देख चुके हैं, लॉग m बटे लॉग n, तो आइए क्या होगा यह I is equal to क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर लॉग टू और d थीटा अलग अलग कर ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा और हमारा स्टेप भी बचेगा, हम लोग जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब दिख रहा है हमें क्या है यह, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आई, तो आइए हम लोग आई लिखते हैं, यहाँ लॉग टू क्या है कांस्टेंट है, क्या है लॉग टू कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब भी वन आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग जानते ही है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में है ये आपका आई हो गया। अब माइनस में आई है, जब ये आई जब क्या होगा लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में जब खींच के लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर उसका बदल जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, यानी आई प्लस आई हो गया और ये आपका लॉग टू और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स थीटा होता है, क्योंकि अब थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए थीटा होगा, इसके पहले क्या था एक्स के रिस्पेक्ट में था एक्स हो रहा था, थीटा पाई बाई फोर और ये जीरो, ये हो गया आपका 2y और ये आपका log 2 कांस्टेंट हो गया, अपर लिमिट पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 हमने रख दिया, पाई बाई 4 इंप्लाइज 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि i इज इक्वल टू क्या मिला हमें i इज इक्वल टू मिला पाई बाई, ये दो इधर जाएगा क्या होगा 8 हो जाएगा पाई बाई 8 log 2 और i हमारा क्या है, देखिए i हमारा क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसलिए इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग 0 टू 1 log 1 plus x log 1 plus x upon 1 plus x square dx is equal to pi by 8 log 2, ये हमारा क्या हो गया इसका सलूशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है, यानी कि ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा और पूरा 8 नंबर में पूछेगा, यानी कि 8 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं केवल एक बार इस वीडियो को देख करके, केवल आप एक बार